press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों, YouTube का एकमात्र ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है मुफ्त ज्योतिषीय सलाह यानी कि फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन। तो मित्रों अब बात करते हैं मेरे मकर राशि वाले मित्रों के अप्रैल 2020 के मासिक राशि फल की। मंथली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर अप्रैल 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों अब बात करते हैं मेरे मकर राशि वाले मित्रों के 1 अप्रैल 2020 से 6 अप्रैल 2020 के मासिक राशि फल की। आरंभ में दिनांक 1 और 2 को मानसिक कष्ट होगा और स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। यात्रा में सावधान रहना होगा, जल्दबाजी एवं आवेश से कार्य बिगड़ सकते हैं। दिनांक 3 और 4 को भागीदारी में इन दिनों समस्या आ सकती है। व्यावसायिक यात्रा सफल होगी, राजकीय मामले निपट जाएंगे। दिनांक 5 और 6 को अनियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यों में विघ्न बाधाएं परेशान करेंगी, कोई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकता है। यात्रा में परेशानी होगी, शराब आदि से बचें। मित्रों अब बात करते हैं मेरे मकर राशि वाले मित्रों के 7 अप्रैल 2020 से 14 अप्रैल 2020 के मासिक राशि फल की। आरंभ में दिनांक 7 और 8 को धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। दिनांक 9 और 10 को कारोबारी हालात बेहतर होंगे, नौकरी में तरक्की का चांस मिल सकता है, मान यश बढ़ेगा। दिनांक 11 और 12 को मनोकामना पूर्ण होगी, आय बढ़ेगी और धन लाभ होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। दिनांक 13 और 14 को तनाव एवं व्यय बढ़ सकता है, ग्रह का वातावरण किसी कारण असुखद बन सकता है, विवाद से बचें और शांत रहें। मित्रों अब बात करते हैं मेरे मकर राशि वाले मित्रों के 15 अप्रैल 2020 से 22 अप्रैल 2020 के मासिक राशि फल की। आरंभ में दिनांक 15 और 17 को तनाव से राहत महसूस होगी और कार्यों में मन लगेगा। दिनांक 18 और 19 को आय व्यय का संतुलन बिगड़ सकता है और बचत कम होगी, रोजगार के लिए भागदौड़ रहेगी, परिश्रम से ही सफलता मिलेगी। दिनांक 20 से 22 को दिमागी उलझन रहेगी, भाई बंधु परेशानी देंगे, वाहन पर व्यय हो सकता है, कार्य बाधा अड़चन पश्चात होंगे। मित्रों अब बात करते हैं मेरे मकर राशि वाले मित्रों के 23 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2020 के मासिक राशि फल की। दिनांक 23 और 24 को खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, कला के क्षेत्र में मान यश प्राप्त होगा, कारोबार सामान्य बना रहेगा। दिनांक 25 से 27 को बौद्धिक कार्य लाभ देंगे, प्रियजन से मुलाकात सुखद रहेगी, सुख सुविधाओं पर व्यय हो सकता है, विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी, व्यापार एवं कामकाजी हालात बेहतर रहेंगे। दिनांक 28 से 30 को समय जद्दोजहद से भरपूर रहेगा, लाभ और सफलता मिलेगी, रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे, दिनचर्या सुखद रहेगी, परिवार के साथ तालमेल बढ़ेगा और अमोद प्रमोद के प्रसंग बनेंगे। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और देखते रहिए मोटू लाला, अपने समस्त ज्योतिषीय सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके। तो देखते रहिए मोटू लाला और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।